अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू आफिया कॉक्स। आज हम बनाने वाले हैं राजमा चावल यानी कि मसाला लोबिया। इसको बनाने के लिए आपको चाहिए टमाटर, हरी मिर्चें और दो अदद चॉप हुई हुई प्याज, और ये हमने ले लिया उबला हुआ लोबिया। अच्छा, ये चॉप रफली चॉप प्याज है, इसको आपने डाल देना है 3-4 टेबल स्पून ऑयल में। ऑयल अपने हिसाब से आप कम रख सकते हैं। साथ में डालना है आपने 1/2 टेबल स्पून ज़ीरा। उसको अच्छे तरीके से भून लें जब तक के प्याज जो है वो गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। ट्रांसलूसेंट नहीं रखनी है, ऐसे भुनी भुनी रखनी है। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे हमारे दो अदद कटे हुए टमाटर। अच्छे तरीके से इसको पका लें। टमाटर अपना पानी खुद ही छोड़ेगा, उसी में पकेगा। उसके बाद हमने डाल दिया इसके अंदर 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अब मसालों में देख लें, ये हमारे पास जा रहा है हसब ज़रूरत अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट नमक, ठीक है। 1/2 टेबल स्पून हल्दी इसके अंदर फिर हम डाल रहे हैं। 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्ची मिर्च, आप लोग थोड़ी कम भी डाल दें, हमने थोड़ी ज़्यादा डाली थी, आप थोड़ी कम डाल दें। और इसके अंदर जाएगा, अच्छे तरीके से इसको भून लें मसाले को, सारा मसाले को, और इसको ढक दें थोड़ी देर के लिए 10-15 मिनट के लिए, और पानी डालकर, ठीक है। ये देखें, इस टाइप का मसाला रेडी हो जाएगा। जैसे मसाला बेसिक मसाला रेडी होता है हर हांडी का, वैसे ही मसाला रेडी हो रहा है। ये देखें, अच्छे तरीके से इसको मिक्स करके हमने इसको 10 मिनट के लिए रखना है। ये देखें, 10 मिनट बाद ये इसकी शक्ल कुछ ऐसी इख्तियार कर लेगा। ये हम आपको दिखाती हूँ, ये पतीली छोड़ रहा है ना मसाला, यानी कि ये बन गया। ये देखें, अब इसके अंदर आप लोबिया डाल देंगे उबला हुआ। 3 कप लोबिया मैंने लिया था, वो आप डाल दें पानी के समय, जिस पानी में उबला है वो भी आप डाल दें उसके अंदर, और लोबिया भी डाल दें क्योंकि वो अपने पानी में पकेगा, बड़ा ही मज़े का टेस्ट आता है। जब थोड़ा सा पक जाए तो उसके अंदर आप डाल दें गरम मसाला। गरम मसाला मेन इन्ग्रीडियंट है, ठीक है। उसके बाद आप उसको ढक दें, और जब तक बॉयल आए, ऐसे ही जब बबल्स आ रहे हो समझ जाए कि ये रेडी है। साथ में बॉयल राइस के आप सर्व करें, बहुत ही मज़ेदार राजमा चावल तैयार है। इंडिया की तो बहुत ही फेमस डिश है, पाकिस्तानी भी खाते हैं, और फ़वाद तो आप लोगों को पता है बहुत ज़्यादा है। लोबिया से बहुत ज़्यादा खून बनता है, एनर्जी आती है, प्रोटीन भी है। सो इट इज़ अ बेस्ट थिंग टू ईट इन समर्स स्पेशली। और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।